हे दोस्तों, वेलकम टू शुभम टेक। आज इस वीडियो में आपको अपनी मोजर वियर की फ्लॉपी डिस्क की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये जो बॉक्स पैक है इसमें टोटल 10 फ्लॉपी डिस्क है मेरी, और कंपनी का नाम मोजर वियर है। यहाँ पे अगर मैं हार्ड डिस्क का आपको साइज बताऊं तो 90 mm की हार्ड डिस्क है, 3.5 इंच की। बॉक्स के साइड में देखें तो यहाँ पे मोजर वियर लिखा रहता है और पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। सर्टिफाइड एरर फ्री, टेस्टेड वायरस फ्री, डबल साइडेड, हाई डेंसिटी, 135 TPI। चलो बिना देरी करे इस बॉक्स को ओपन करते हैं और अपनी फ्लॉपी डिस्क देखते हैं इसमें कैसी हैं। इस डिब्बे को मैं अलग रख देता हूं। इसमें टोटल 10 फ्लॉपी डिस्क निकली है हमारी। एक तो ये रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 टोटल फ्लॉपी डिस्क हमारी निकली है। और एक ये कुछ कागज सा निकला है। ये कागज क्या होता है कि ये नेम, ये स्टिकर है जो कि फ्लॉपी पे हम अपना लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये फ्लॉपी है, तो यहाँ पे क्या कि ये स्टिकर मैं छुटा के इस फ्लॉपी पे यहाँ लगा सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि इस फ्लॉपी में मैंने क्या चीज राइट करी है, क्या इसमें मैंने डेटा स्टोर किया। तो इस स्टिकर को यहाँ चुटा के यहाँ लगा लूंगा, जिससे मुझे रिमेम्बर रहेगा। सो ये फ्लॉपी कुछ इस तरीके की है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। जो ये फ्लॉपी है 3.5 इंच की, 90 mm वाली। सो इसमें कुछ ऐसी ये चीज होती है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें क्या है, जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक रूप में होता है और यहाँ पे एक व्हील सा दिया है। सो अगली एक वीडियो में आपके लिए और लाऊंगा, जिसमें क्या कि मैं फ्लॉपी डिस्क आपको तोड़ के दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि फ्लॉपी डिस्क में अंदर होता क्या है आखिरकार। तो आप दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आगे एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको फ्लॉपी डिस्क तोड़ के दिखाऊंगा कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर होता क्या है, बेसिकली ये काम कैसे करती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स अंदर लगे रहते हैं और ये चीज ऐसे ऐसे कैसे अपनी इनिशियल पोजीशन पे आती है, तो पूरी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर करिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।